नार्जो 20 या पोको एम 3, 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 कौन सा बढ़िया है यार इन दोनों में से, नार्जो 20 या पोको एम 3। तो हेलो सुंदरन, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपैरिजन करने वाले रियलमी नार्जो 20 का, नहीं सिर्फ उसका नहीं, मतलब कंपैरिजन कर दूसरा फोन भी तो चाहिए, Realme Narzo 20 का Poco M3 के साथ, एंड बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट फोन रहने वाला है इन दोनों में से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, आप लोगों को कहीं ये वीडियो बढ़िया बढ़िया लगती है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, करो वीडियो को लिंक से स्टार्ट। तो भी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते अपने पोको एम थ्री के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस का आईपीएस पैनल मिलता है, इधर आपको ऑटो ड्रॉप नॉच मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, एंड बैक साइड के अंदर आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं। एंड रही बात डिजाइन की, तो आपकी स्क्रीन पर आपको दोनों फोन बैक साइड से शो कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको भाई दोनों में से किसका डिजाइन पसंद आया है, आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड मेरे को भाई नार्जो का भी पसंद है यार, पोको का भी पसंद, दोनों का अच्छा है। नार्जो का थोड़ा सेफ साइड में है कि मतलब नार्जो का सभी को पसंद आ सकता है, पोको का कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ को नहीं आएगा, तो कह नहीं सकते। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको दोनों में से किसका डिजाइन पसंद आया है। वही बात करते हैं रियलमी नार्जो 20 की, तो इधर आप लोगों को 6.5 इंचेस का एचडी प्लस का आईपीएस पैनल मिलता है, इधर आपको एचडी प्लस का पैनल मिलता है, तो ये चीज थोड़ी सी बेकार है। वहीं आपको पोको के साथ फुल एचडी प्लस का पैनल मिलता है, बाकी इधर भी आपको जो बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, बैक साइड के अंदर आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं, एंड बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। तो वहीं चल लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते हैं पोको एम थ्री के साथ। जैसा आपको इधर आपको बैक साइड के अंदर तीन कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, हाँ अल्ट्रा वाइड नहीं है, इधर आपको 2 मेगापिक्सल के मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग मिल जाती है। एंड बात कीजिए सेल्फी की, तो आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करते हैं रियलमी नार्जो 20 की, तो इधर भी आपको बैक साइड के अंदर तीन कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट के लिए। एंड बात कीजिए सेल्फी की, तो आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कैमरा डिपार्टमेंट में रियलमी नार्जो 20 बढ़िया लगा, क्योंकि 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो ये चीज मेरे को थोड़ी सी बढ़िया लगी रियलमी नार्जो के साथ। वहीं चल लेते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते हैं अपने पोको M3 के साथ। तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 18 का 610 का आपको जीपीयू मिलता है। वहीं चलते हैं अपने Realme Narzo 20 की तरफ, तो इधर आप लोगों को मीडियाटेक की तरफ से गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है, इधर आपको मीडियाटेक के लिए G85 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 12nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, मान लीजिए 52 का आपको जीपीयू मिलता है। तो अगर आपको एक एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए, देन आप लोग जा सकते हो पोको की तरफ, वहीं आपको एक गेमिंग के लिए बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, देन आप लोग जा सकते हो Realme Narzo 20 की तरफ। तो ये सीन है, क्योंकि वो नहीं, आप बोलो बनी जी, आप बोलो, हाँ कंटिन्यू रखिए आप, हम तो बाद में बना लेंगे वीडियो। तो अगर आपको एक एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए, देन आप लोग पोको M3 की तरफ जा सकते हो, वहीं आपकी ऐसे प्रायोरिटी गेमिंग ज़्यादा है, एंड अगर आपको प्रोसेसर एडिटिंग वगैरह का ज़्यादा काम करते हो, देन आप लोग जा सकते हो Realme Narzo 20 की तरफ। तो वहीं चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर, दोनों फोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, एंड दोनों फोन आपकी 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, एंड फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है दोनों फोन के, तो बैटरी डिपार्टमेंट में ड्रॉ हो जाता है, सही पकड़े हैं। तो वही बात करते हैं पोको M3 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, UFS का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, MIUI 10 मिल जाता है, डेगेट स्टोर मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, एंड ये फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है, यानी कि ऐसे छीटे वीटे गिरते हैं तो ऐसे पानी अंदर नहीं जाने वाला। एंड वही बात करते हैं अपने Realme Narzo 20 की, तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, Realme का खुद का UI मिल जाता है, डेगेट स्टोर मिल जाता है, AMC का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, एंड ये फोन भी आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है, यानी कि इधर भी आपके ऐसे छीटे वीटे गिरते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो वही बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, शुरुआत करते हैं अपने पोको M3 के साथ, तो इधर आप लोग को 6GB रैम 64GB की रोम मिल जाती है 11000 के प्राइस पे। एंड वही बात करते हैं अपने Realme Narzo 20 की, तो इधर आप लोग को 4GB रैम 64GB की रोम मिल जाती है 10500 के प्राइस पे। तो अभी ना आप लोग ऐसे स्पेसिफिकेशन वगैरह तो पता चल गई होगी, बट स्टिल आप लोग के माइंड में ऐसे कन्फ्यूजन होगी कि ये वाला कौन सा बढ़िया रहने वाला है। तो अभी थोड़ा सा आगे का और देखो, अभी ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं कि कौन सा फोन कहां पर बाजी मारता है। ऐसा अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अभी ना पहले बात करते हैं कि भाई डिस्प्ले के अंदर कौन सा फोन बाजी मारता है। तो डिस्प्ले के अंदर अपना पोको M3 बाजी मार जाता है, क्योंकि इधर आपको फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। बट वही बात की जाए कैमरे की, आज मैं छोड़ रहा हूँ वीडियो बनाना, इन्हीं को बोलना दो आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ, चलिए
एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो वही बात करते हैं कैमरा की, भाई कैमरे के अंदर कौन सा फोन अपना आगे निकलता है। तो कैमरे डिपार्टमेंट मेरे को रियलमी नार्जो 20 बढ़िया लगा, क्योंकि इधर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। वही बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है कि भाई अगर आपको एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए देन आपको पोको M3 मिलता है, वही आपको गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए देन आप लोगों को रियलमी नार्जो 20 मिलता है। ऐसा सीन नहीं है कि भाई जो अपना एफिशिएंट प्रोसेसर है यानी कि पोको M3 उसके अंदर आपकी गेम वगैरह चलने ही नहीं वाली, ऐसा सीन नहीं है, उधर भी आपकी गेम वगैरह चल जाएगी। बट स्टिल अगर आप दोनों में से गेमिंग के लिए कोई बेस्ट देखते हो देन आपका रियलमी नार्जो 20 आगे निकल जाता है। वही बात करते हैं बैटरी की, तो भाई दोनों में आपका ड्रॉ हो जाता है, बट हाँ स्टिल आपको एक एफिशिएंट प्रोसेसर मिलता है पोको M3 के अंदर। कितना मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ आज, तो आपको स्टिल एक बेटर तो पोको M3 के अंदर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर मिलने वाला है, क्योंकि इधर आपको एक एफिशिएंट प्रोसेसर मिल जाता है। वही बात करते हैं थोड़े से अपने एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर अपना पोको M3 बाजी मारता है, क्योंकि इधर आपको भाई ज्यादा रैम वगैरह मिल जाती है, इधर आपको 6 GB की रैम मिल जाती है, UFS का स्टोरेज टाइप मिल जाता है जो कि कमाल की चीज हो जाती है इस प्राइस के अंदर। एंड उसी के साथ एक और सबसे कमाल की चीज, इधर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स में देखते हो तो अपना पोको M3 थोड़ा आगे निकल जाता है। तो एक बार मैं आपको हल्की सी समरी बता देता हूँ, तो अगर आप लोगों को अल्ट्रा वाइड चाहिए देन आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए कोई बढ़िया फोन चाहिए देन आप लोग रियलमी की तरफ जा सकते हो। मैं आपको फुल HD+ की डिस्प्ले चाहिए, एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए, स्टीरियो स्पीकर वगैरह चाहिए, एंड आपको मतलब ज्यादा रैम वगैरह चाहिए, UFS का स्टोरेज टाइप वगैरह चाहिए, देन आप लोग जा सकते हो पोको M3 की तरफ। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आप दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहते हो, एंड बताओ क्या और क्या बोलो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं किसी बढ़िया ओपी वीडियो बनता तब तक के लिए।